ये आपके महबूब हैं, शैतान आपका दुश्मन है। अगर आप मेरी मगफिरत फरमा देंगे, मेरे गुनाहों को माफ कर देंगे, तो आपका महबूब खुश होगा। मेरी मगफिरत फरमा देंगे तो आपका महबूब खुश हो जाएगा और आपका दुश्मन जो है वो तिल मिला उठेगा। उसको तकलीफ होगी दुश्मन को, दुश्मन कौन शैतान। अगर आप मेरी मगफिरत ना फरमाएंगे, मेरे गुनाहों को ना शैतान जो खुश होगा, आपके महबूब गमगीन होंगे और आपका ये गुलाम हलाक हो जाएगा। मैं तो हलाक हो जाऊंगा अगर मेरी मगफिरत ना हो। या अल्लाह, अरब के करीम लोगों का ये दस्तूर है, अरब के जो सखी हैं, जो करीम हैं, उनका ये दस्तूर है, ये तरीका है कि उनमें जब कोई बड़ा सरदार मर जाता है तो उसकी खबर पर गुलामों को आजाद किया जाता है। कह रहे हैं अरबों का तरीका था, मरने के बाद खबर पर गुलामों को आजाद कर देते सारे सवाब के लिए। लिहाजा ये उस पाक हस्ती की मजार मुबारक है जो तमाम जहानों की सरदार है। हालल्लाह, ये मजार मुबारक खातिमुल अंबिया की है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजार मुबारक है। तो ऐ अल्लाह, इस खबर के सामने मुझे जहन्नम की आग से आजादी अता फरमा। हजरत अस्माई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने उस शख्स से कहा, ऐ एराबी, ऐ देहात के रहने वाले, तूने बड़ा बेहतर सवाल किया, तूने बड़ा प्यारा सवाल किया है और मुझे जरूर इस बात की उम्मीद है अल्लाह ने तेरी बख्शिश कर दी है, अल्लाह ने गुनाह को माफ कर दिया है। और उसके बाद कहते हैं और दो चार रिवायतें जो है उन्होंने लिखी कि शेख इब्राहिम बिन शेबान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज से फारिग होने पर मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ, मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ और हुजूर की मजार मुबारक पर सलाम अर्ज किया, सरकार की मजार मुबारक पर सलाम अर्ज किया तो हुजरा मुबारक से आवाज सुभान अल्लाह। और एक बड़ा प्यारा वाकिया है, अल्लामा उस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मवाहिबुल अदनिया में लिखते हैं कि एक मर्तबा सख्त बीमार था, बेइंतहा बीमार, यहां तक के जो तबीब थे इलाज करने वाले वो जवाब दे दिए अब इनका इलाज नहीं होगा, अब ये खत्म हो गया है इलाज, और मैं कई साल मुसलसल बीमार था। एक मरतबा 28 जमादिल उला 853 हिजरी, 28 जमादिल अव्वल 853 हिजरी को मक्का मुकरमा में हासिल हुआ और हुजूर के वसीले से दुआ की, सरकार के वसीले से दुआ की, वसीले का जिक्र नहीं किया। बड़े बड़े उलमा कायल है वसीले के, ये कुछ जो किताब फजाइल हज जमात की लिखी इसमें जिक्र है कि वसीले से दुआ की और उसके बाद सो गया। हज के बाद वसीले से सरकार की दुआ की और सो गया तो मैंने ख्वाब में एक आदमी को देखा, ख्वाब में एक शख्स को देखा, उसके हाथ में कागज है और जिसमें लिखा हुआ है ये दवा अहमद इब्ने खतलानी को हुजूर की तरफ से है। लिखा हुआ ये दवा है, ये इब्ने तरानी को हुजूर की तरफ से है और हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि तुम अच्छे हो जाओगे। सुभान अल्लाह। जैसे ही ये ख्वाब मैंने देखा और जाना, मेरा पूरा मर्ज चला गया था, पूरी बीमारी चली गई। और फरमा देंगे 885 दिन। एक और वाकया पेश आया, खबर शरीफ की जियारत करके वापिस आ रहा था, रास्ते में एक हबशी हरम ने मेरी खादिमा को टक्कर मारा। हबशी हरम जो
वो भारतीय भी आई और जो नौजवानी थी इमाम खुसरानी रहमतुल्लाह अलैह की उनकी खातिमा को टक्कर मार दी उसने। अब उसके बाद जो है वो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई, उठने के काबिल ना रही, सब तकलीफ में रही। मैंने हुजूर के वसीले से उसकी सेहत के लिए फिर दुआ की, फिर मैंने दुआ की ये मेरी खातिमा जो है बीमार है पड़ी हुई है बिस्तर पर, दुआ की तो मैंने ख्वाब में देखा एक शख्स जिनके साथ एक जिन है, जिन्नात से कहते हैं, एक शख्स आया ख्वाब में उनके साथ जिन था, जिन्नात था, जिसने हरम की सूरत में खादिमा को टक्कर मारी थी। वो जो हरम जो थी वो हरम नहीं थी बल्कि वो जिन था जो हरम की शक्ल में आकर उनकी खादिमा को जो है टक्कर मार दिया था। वो पकड़ कर लेकर आया शख्स उस जिन को और कहने लगा कि इसको हुजूर ने तुम्हारे पास भेजा, ये जिन है जो तुम्हारी नौकरानी को मारने वाला है, इसको हुजूर ने तुम्हारे पास भेजा है। मैंने उस जिन को मलामत की और कसम दी, फिर कहा कि ऐसी हरकत ना करना। कसम देते हैं बिना अक्सर जो होता है हाजरी में हो रहा है, कसम देते हैं, कॉल लेते हैं, कहा कि ऐसी हरकत दोबारा ना करना, किसी के साथ ऐसा मामला ना करना। और उसके बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरी खादिमा तंदुरुस्त होकर खड़ी हुई है। देखिए यहां पर ही बताया जा रहा है कि हर वाक्य को सरकार जानते हैं। इमाम मुस्तलानी की खादिमा का मामला क्या है, बीमार किस वजह से हुई है और किस जिन ने हरम की शक्ल लेकर उनके ऊपर हमला किया उसको भी जानते हैं। और सरकार के गुलामों की ये शान है कि जिन्नात उनके कब्जे में होते हैं। कर लेकर आए ये जिन है सरकार ने भेजा है। तो यहाँ पर इख्तियार बताया जा रहा है, जब गुलामों का ये इख्तियार है तो आका का इख्तियार क्या होगा।